नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष एक अनंत रहस्य है जहां मानव कल्पना की सीमाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या होगा अगर यह अनंत अंतरिक्ष एक कैदखाना बन जाए? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है उन दो बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों की जिन्होंने अंतरिक्ष में 50 दिन तक संघर्ष किया और अपने साहस का प्रदर्शन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर। सुनीता विलियम्स एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने नासा के अंतरिक्ष मिशन पर कई बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। उनके नाम पर अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड भी है। दूसरी तरफ बैरी विलमोर एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री नासा के पायलट जिन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। बात है 2014 की। सुनीता और बैरी को एक मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। यह मिशन उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव की तरह था। ISS पर उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, नई तकनीकों का परीक्षण किया, अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव का काम किया। लेकिन उनके मिशन का सबसे कठिन हिस्सा था जब उन्हें 50 दिन तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। सुनीता कहती हैं, अंतरिक्ष में रहना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन यह उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। हम हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते थे। बैरी ने कहा, इन 50 दिनों में हमने अपनी टीम वर्क, धैर्य और तकनीकी कौशल को और बेहतर किया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह सब शुरू हुआ एक सामान्य अंतरिक्ष मिशन के साथ। सुनीता और बैरी को एक सप्ताह के लिए मिशन पर भेजा गया, लेकिन किस्मत के खेल ने उनके लिए एक अलग ही रास्ता चुना। उनके स्पेसक्राफ्ट में कई तकनीकी खराबी आ गई, हीलियम लीक, थ्रस्टर फेलियर, सब कुछ एक साथ हो रहा था। और सबसे बुरा, नासा को यह नहीं पता था कि उन्हें कब वापस लाया जा सकता है। 50 दिन यह वो समय था जब उन्हें अंतरिक्ष में बिताना पड़ा एक छोटी सी कैप्सूल में, जहां हर सांस की कीमत थी। लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, वैज्ञानिक प्रयोग किए, परिवार से बात की और सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहने की लड़ाई लड़ी। इन 50 दिनों ने इन्हें न सिर्फ एक दूसरे के करीब लाया बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ लाया। लोग इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इनका हौसला बढ़ा रहे थे। और अंत में वो दिन आया जब धरती ने इन दोनों को वापस अपनी गोद में लिया एक विजेता की तरह। अंतरिक्ष एक चुनौती है, लेकिन मानव इच्छा शक्ति उससे भी बड़ी है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हमारे पास हिम्मत और दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।